दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की नॉर्थ इंडिया अध्यक्ष मंजू छिब्बर और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रवि सोनू कुंडे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे पर चर्चा भी जारी है और अगर भाजपा के साथ सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले 8 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और बाकी के 80 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सहमति बनती है तो पार्टी 2 सीटों मुलाना विधानसभा और नेलुखेड़े विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की नॉर्थ इंडिया अध्यक्ष मंजू छिब्बर ने कहा कि हम हरियाणा में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर हमें बीजेपी 2 सीट भी नहीं देती है तो हम 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के साथ हमारा गठबंधन मजबूत है और सीटों के बंटवारे पर सकारात्मक चर्चा चल रही है। यदि किसी कारणवश सीटों पर सहमति नहीं बनती तो भी हम भाजपा के खिलाफ कोई प्रचार नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और प्रदेश की जनता की सेवा करना है। एडवोकेट रवि कुंडले ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी या उनके नेता भाजपा के खिलाफ कोई प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नियमों को निभाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि एनडीए की एकता और ताकत बनी रहे। एडवोकेट रवि कुंडले ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता चुनावी मुद्दों पर केंद्रित रहेगी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दे प्रमुख होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना है और वे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करने का काम निरंतर करते रहेंगे। लेकिन पार्टी ऑफ इंडिया टावले तो पिछले 2 सालों से क्या बहुत सालों से काम कर रही है हरियाणा में और पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों का काम बहुत बड़ा है। हम लोग छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, लोगों के काम करते हैं। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष किसी भी दिन खाली नहीं बैठते हैं। हमारे दिल्ली में जिन लोगों की जो समस्या होती है उनको साथ लेके आते हैं और हम उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे 3 मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो बेघर हैं, उनके लिए माननीय मंत्री जी ने, रामदास अठावले जी ने बहुत साल पहलों से उनके लिए लड़ रहे हैं कि इन लोगों को घर मिले, इन लोगों को थोड़ा सम्मान मिले और ये भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। दूसरा, हमारा ड्रग्स का प्रॉब्लम पूरे देश में फैल रहा है, हरियाणा में भी फैल रहा है बहुत, पंजाब तो इसके ग्रस्त में आ चुका है, स्वाहा हो चुका है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और तीसरा, एज ए लेडी एंड एज एवरी सिटीजन शुड डू, हम वुमेन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ जो ये रेप होते हैं, जो अत्याचार होते हैं, इसके खिलाफ हम बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने वाले हैं। और मैंने तो रेपिस को आतंकवादी का टाइटल दिया है कि आतंकवादी में और रेपिस में कोई फर्क नहीं है। अब ये रेपिस सिर्फ रेपिस नहीं कहलाएंगे, रेपिस आतंकवादी कहलाएंगे। कितनी सीटों से हरियाणा में चुनाव लड़ने की उम्मीद है इस पार्टी की और कितनी सीटों से चुनाव लड़ने वाली है? हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि 10 सीटों पे कम से कम हम अपने उम्मीदवार उतारें, पर हम लोग क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, अगर बीजेपी के स्ट्रांग कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पे तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, परंतु हम बीजेपी से अपने लिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटावले के लिए 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये ऐसा है, मेरे समाज के और क्या मेरे देश के बहुजन नायक डॉक्टर रामदास अठावले जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी नीतियों को लेकर के हम हरियाणा में उतर रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं और हमने 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी है, 8 से 10 सीटों पे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें 2 सीटों पे अलायंस में मौका देती है तो हम 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बाकी 88 विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। और अगर अलायंस नहीं होता है तो भी हम 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम करेंगे। कांग्रेस के तमाम लीडर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि हरियाणा में इस बार भाजपा हारेगी, कांग्रेस जीतेगी, बड़े परचम के साथ, क्या लगता है? देखिए, सभी पार्टियां दलित वोट के ऊपर जो है ना अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दलित समाज, दलित वंचित शोषित समाज सबसे ज़्यादा आज के दिन
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ है, और क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत को समझकर उनकी समस्याओं का हल कराने का हम काम करते हैं। उनकी छोटी से छोटी समस्या को हमारे केंद्र में मंत्री श्री रामदास अठावले जी भारत की सबसे बड़ी पंचायत में रखकर उस काम को करवाने का काम करते हैं। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।